everyone, welcome back to my channel Dare to Wear. फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बेस्ट टेरेस डेकोरेशन और इंटायर डिजाइन जो आप अपने टेरेस पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप एक जैन टेरेस और एक इनएक्सपेंसिव टेरेस और इनोवेटिव टेरेस का सपना देख रहे हैं तो डोंट मूव, जस्ट चेक अवर आइडियाज इन द फॉलोइंग इमेजेस। आपके टेरेस का लेआउट उसके साइज पर डिपेंड करता है। अगर आपके टेरेस की जगह बहुत ही ज्यादा है तो पॉसिबल है कि यहाँ पर आप डाइनिंग एरिया, रिलैक्सेशन एरिया और आउटडोर किचन भी रख सके। आपको इस वीडियो में बहुत ही सुंदर टेरेस डेकोर के पिक्चर्स मिलेंगे। आपको इस वीडियो से बहुत ही नए आइडियाज मिल सकते हैं। यदि आपके पास एक छोटी सी छत है और आप सोचते हैं कि ये शानदार नहीं दिख सकता तो आप बहुत गलत है। एक छोटी छत आपकी पसंद के स्टाइल में एक कम्फी डिजाइन के साथ एक कोजी नुक बन सकती है, जस्ट लाइक मिनिमलिस्टिक, बहुत चिक और ट्रेडिशनल। वहाँ एक बेंच या सिर्फ एक आरामदेह कुर्सी रखें। दीवारों और फर्श पर कुछ हरे पौधे, एक छोटी सी मेज या इसके बजाय एक लकड़ी का ठोंठ और कई लालटेन और मोमबत्तियां लगाएं और आपकी आरामदायक छत तैयार है। अगर और भी जगह है तो आप एक गलीचा और पाउफ भी रख सकते हैं। इस सब चीज के साथ एक पोर्टेबल फायर प्लेस अधिक आराम जोड़ देगी, इसलिए इसे खरीदने में संकोच ना करें। आपको इसमें और भी आइडियाज दिए गए हैं, आप इसे देखें और कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। किसी भी स्टाइल में एक छोटे से टेरेस को सजाते समय आपको सबसे पहले प्रॉपर फर्नीचर की आवश्यकता होती है जो पॉसिबल हो उतना स्टाइलिश, स्पेस सेविंग और मल्टीफंक्शनल होना चाहिए। फर्नीचर को ज्यादा फोल्ड करने की ट्राई करें, स्मॉलर स्केल यूनिट्स या फिर सिर्फ एक बड़ा बैठने का टुकड़ा। अपनी छत पर ज्यादा अव्यवस्थता ना फैलाएं, केवल उन टुकड़ों का उपयोग करें जिनकी आपको आवश्यकता है। आप अपने टेरेस पर परगोला लगा सकते हैं, इससे आपका टेरेस बहुत ही सुंदर लगेगा। परगोला की साइड्स पर आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हैं तो ये और भी निखर जाएगा। आप कुछ लाइटिंग लगा सकते हैं, नाइट लैंप्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे अच्छे टेरेस डेकोर के आइडियाज हैं। आप इसमें से जो भी पसंद है वैसे ही डिजाइन अपने टेरेस पर लगवा सकते हैं। आप चाहे तो गार्डनिंग कर सकते हैं टेरेस पर, रंगीन फूलों का डेकोरेशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे पौधे लगा सकते हैं। आपको और भी डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, जैसे कि आप फॉर्मल इंटीरियर डिजाइन्स रख सकते हैं, सेंटर में एक टेबल रखकर चारों ओर सोफे लगा सकते हैं। ये सब हमें परगोले के हिस्से में रखना है। परगोले पर कांच या कोई मेटल पैलेट लगा सकते हैं। आप टेरेस पर कोई वेडिंग फंक्शन भी रख सकते हैं और फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिलेंगी और टेरेस भी डेकोरेट हो जाएगा। टेरेस पर आप मेहंदी का फंक्शन रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो हल्दी का फंक्शन रख सकते हैं और ऐसे फंक्शन का डेकोरेशन टेरेस पर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगर टेरेस बहुत ज्यादा छोटा नहीं है तो आप फर्नीचर के साथ साथ थोड़ी जगह जलने के लिए छोड़ सकते हैं। वहाँ पर योगा कर सकते हैं और जिम्नास्टिक भी कर सकते हैं। आप चाहे तो टेरेस पर झूला लगा सकते हैं, ये बड़ा ही मजेदार आइडिया है। वैसे कई लोगों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है लेकिन जगह की कमी से घर पर तो रख नहीं सकते, तो ये बेस्ट आइडिया है टेरेस पर झूला लगाना और टेरेस डेकोर में बहुत सुंदर भी लगेगा और आप जब चाहे झूल सकते हैं। आप टेरेस पर छोटा सा स्विमिंग पूल भी रख सकते हैं जो आपको बिल्कुल रिसोर्ट वाली फील देगा। स्विमिंग टब एक यूनिक सा लुक देगा जिससे आपका टेरेस बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। स्विमिंग पूल के साइड्स पर आप पौधे लगा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल ग्रास चारों ओर लगा सकते हैं।
पूल के पास आप आरामदायक कुर्सियां भी लगा सकते हैं। एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया है जो है कि आप टेरेस पर एक एलईडी स्क्रीन लगा सकते हैं, जिसमें आप आराम से कोई फिल्म या फिर कुछ फैमिली फंक्शंस वीडियोस देख सकते हैं। स्क्रीन के साथ साथ आप टेरेस पर कुर्सियां लगा सकते हैं, गलीचा और गद्दे बिछा सकते हैं, फेरी लाइट्स भी लगा सकते हैं। ये डेकोर आपको बिल्कुल एक सिनेप्लेक्स जैसी फील देगा और बहुत ही आरामदायक होगा। आपको और भी आइडियाज मिल जाएंगे, वीडियो को आप एंड तक देखना और आपको जो भी डिजाइन पसंद आए वो जरूर अपने टेरेस पर डेकोर करना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला डेकोरेशन सबसे अच्छा लगा। आपके पास कोई और आइडियाज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम डेफिनेटली आपके आइडियाज पर वर्क करेंगे। चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए अंदाज के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय एंड स्टे सेफ।